रहे हैं, और इस पायथन के लिए एक हिरन का बच्चा एक परफेक्ट शिकार होगा। पर इतने बड़े शरीर के साथ उसका शिकार के करीब पहुंचना आसान नहीं होगा, इसलिए उसे शिकार के करीब जाने के लिए दलदल में छुपकर आगे बढ़ना होगा। वो धीरे धीरे नजर बचाकर शावकों की तरफ बढ़ रही है, और वो इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि इस पायथन को धीरज से काम लेना होगा। अगर उसने जल्दबाजी की तो शिकार बचकर भाग भी सकता है। उसने तय किया है कि शावकों की नजरों से बचने के लिए वो पानी के नीचे से होकर जाएगी। ये माहिर तैराक घंटों तक पानी के नीचे रहकर इंतजार कर सकते हैं और मौका पाते ही शिकार पर हमला कर सकते हैं। ये कुंडली मारकर बैठ गई है और पानी से मुंह निकालकर अपने शिकार को चुनती है। वो अपने सबसे करीब के शावक को चुनती है। और बस कुछ ही सेकंड्स में उसे जकड़ लेती है। ये अद्भुत रूप से अपने सिर के 3 गुना तक साइज के शिकार को निगल सकती है, और इसने अभी अभी गजल को निगलना शुरू कर दिया है। अपने 100 से भी ज्यादा तीखे घुमावदार दांतों से ये अपने शिकार को अपने पेट की तरफ धकेल रही है। इतने बड़े शिकार को हजम करने में इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को कई हफ्ते लग जाएंगे। सींग और खुर ये सब हजम कर लेगी। इसके मां बनने का समय भी अब करीब आने लगा है। और करीब 1 महीने बाद ये मादा अंडे देने के लिए तैयार है। अपने आखिरी शिकार से हासिल की हुई ऊर्जा इसकी प्रेगनेंसी के समय इसके काम आने वाली है। इसने बहुत सोच समझकर इस बिल को चुना है, क्योंकि इस बिल में ना ही इसे सिर्फ अंडे देने हैं, पर उन्हें सेना भी होगा, और अंडों के बाहर आने के बाद पाल पोस कर बड़ा भी करना होगा। अंडे देने के बाद अपने बच्चों का पोषण करने वाली ये सांपों की इकलौती प्रजाति है। नन्हे सांपों के पैदा होने के करीब 2 हफ्तों तक ये उनके साथ रहकर उन्हें अपने शरीर से गर्मी देगी, और बस सूरज की एनर्जी को सोखने के लिए बिल से बाहर निकला करेगी। बच्चों का पालन पोषण करते हुए इसके शरीर का 40% वजन गिर जाएगा। साइंटिस्ट्स अभी तक ये पूरी तरह नहीं जान पाए हैं कि अफ्रीकन रॉक पाइथन अपने बच्चों को क्यों पालते हैं, पर माना जाता है कि ऐसा ठंडी जगहों में उन्हें गर्म रखना